नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल राजटीच में। दोस्तों हम लोग देखेंगे RRC ईयर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 जो निकल कर आया है, जिसका अप्लाई होगा 4 अक्टूबर से अप्लाई होगा। तो इसमें देखेंगे जिसमें टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट कितना है, 33,636 पोस्ट है, 3,336 पोस्ट है इसमें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अप्रेंटिस करें या नहीं करें, अप्रेंटिस करने से क्या जॉब पक्का है रेलवे में। देखिए, रेलवे में जॉब पक्का है अप्रेंटिस करने पर। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो ये आपका जॉब पक्का है, ये आप कैसे कह सकते हैं। पहले अप्रेंटिस का मतलब समझेंगे। देखिए, अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, एक प्रैक्टिस होता है। उससे ये नहीं है कि आपका जॉब कन्फर्म हो गया, जॉब कन्फर्म नहीं होता है इससे। हाँ, आपको ये है कि जैसे कि निकला था ग्रुप डी का फॉर्म, तो उसमें ये बोला गया था कि जो 20% सीट है रिजर्व रहेगा अप्रेंटिस के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप अप्रेंटिस अगर रेलवे में कर लेते हैं तो आपका जॉब फिक्स है। तो देखिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अप्रेंटिस करे या नहीं करे। तो देखिए, अगर आप ITI करके अगर आप बैठे हैं तो अप्रेंटिस कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ITI करके अगर आप बैठे हैं, अगर आप जॉब वगैरह पकड़ लिए हैं तो फिर आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जैसे कि अगर आप रेलवे में कर लेते हैं अप्रेंटिस, तो आपको क्या होता है कि जब रेलवे के वैकेंसी निकलेगा तो अप्रेंटिस के लिए अलग से रिजर्व सीट निकलता है, सीट रिजर्व रहता है। तो इसका ये फ़ायदा है। तो अभी रेलवे का आया हुआ है फॉर्म अप्रेंटिस का, तो आप लोग जाइए भरिए, जो लोग ITI कर लिए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। ऐसे तो आप लोग सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हैं और हम दे देंगे। और एक बात है इसमें कि जो आप जैसे कि जिस ITI हो या इंजीनियर हो या पॉलिटेक्निक हो, जिस चीज़ से भी आप लोग किए हैं, इलेक्ट्रिक से किए हैं या फिटर से किए हैं या अदर मैकेनिक से किए हैं, कुछ से भी किए हैं, तो आप लोग अप्रेंटिस करने के लिए जब जाते हैं तो आप उसी के रिलेटेड आपको बताया जाता है। जैसे मैकेनिक हो गया तो मैकेनिक के रिलेटेड आप लोग को बताया जाएगा। तो जहाँ पर रखेगा आपको कोई भी रखता है, या सरकारी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी, कहीं भी रखता है अप्रेंटिस के लिए, तो आपको उसके बारे में ही बताता है। अगर रेलवे की बात कहा जाए तो रेलवे में भी जाइएगा तो आपको उसी के बारे में बताएगा, अप्रेंटिस में आप लोग को सिखाएगा। जैसे कि आप लोगों ने अप्रेंटिस का शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जैसे आपको प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा कि आपने ये चीज़ सीखा है, इसको करना है। जैसे कि हमने किसी भी मशीन, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, तो मैकेनिक से सीख रहे हैं तो मोटरसाइकिल के बारे में, तो उसमें जैसे कि हम सारे चीज़ पढ़ लिए, और वहाँ पर जाने के अप्रेंटिस में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल करके बताएगा और सारा चीज़ समझाएगा, और उसके बाद में साल भर या 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपने अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया है। अगर रेलवे में जाते हैं तो अगर रेलवे का वैकेंसी आता है तो आपका कुछ सीट रिज़र्व रहेगा। जैसे इस बार जो वैकेंसी लिया तो उसमें 20% जो सीट था अप्रेंटिस के लिए रिज़र्व था। तो उसी प्रकार से जब भी वैकेंसी निकलता है तो आपके लिए कुछ सीटें रिज़र्व रह जाएंगे। तो बस यही जानकारी है अप्रेंटिस के लिए। अगर आप बता दिए कि अगर आप ITI कर लिए हैं और बैठे हुए हैं तो आप अप्रेंटिस कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो करने की खास ज़रूरत नहीं है हमारे देखने से, ऐसे आपकी मर्ज़ी। तो अगर आपको और कोई भी सवाल इसके बारे में पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।